Alright, so welcome back to my channel everyone. I hope you guys are doing absolutely great. So here's the thing, अभी पिछले कुछ दिनों में डार्क वेब की बहुत सारी वेबसाइट्स एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वेबसाइट्स मिली एंड कुछ वेबसाइट थोड़ी स्केरी क्रीपी टाइप थी. सो आई थॉट मुझे इस चीज़ पे एक वीडियो बनाना चाहिए, नॉट टू प्रमोट दोज थिंग्स, बट आई थॉट कि मेरे को ये एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग ही डार्क वेब में इंटरेस्टेड हो. तो आई थॉट कि तुम्हें ये चीज़ें देखनी चाहिए. So that's why I'm making this video. But before that, there is something else I have to tell you. जैसे कि सबको पता है, अगर तुम डार्क वेब यूज कर रहे हो तो डार्क वेब में तुम्हारी आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगी. लाइक अगर तुम कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो डार्क वेब से, तो जो बंदा बेच रहा है तुम्हें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता होगी और ना ही उसे तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी. दैट्स वाई डार्क वेब में कोई भी इलीगल चीज़ करना या फिर कोई भी इलीगल चीज़ बेचना या खरीदना सेफ रहता है, क्योंकि किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी. और ये इसलिए होता है क्योंकि डार्क वेब में तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा जगह होके जाती है, बहुत ही ज़्यादा लोकेशंस में हॉप करके तुम्हारी आइडेंटिटी सामने वाले तक पहुंचती है. तो उसके लिए ये पता लगा पाना कि ये बंदा कहाँ का है या फिर इसकी लोकेशन क्या है, ये बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि तुम्हारी अभी बहुत ही ज़्यादा जगह हॉप होके जाती है. बट ऐसा नहीं है. अगर कोई चाहे और आईपी हॉप को काउंट कर लिया जाए कि कितनी जगह आईपी होके गई है, कितने हॉप्स हैं आईपी के, इट्स अगर हॉप्स काउंट कर लिए जाए और उन्हें तुम्हारी फाइनल लोकेशन पता है तो तुम्हारी इनिशियल लोकेशन का पता लगाया जा सकता है एंड वाइस वर्सा. सो इट्स नॉट दैट सेफ एंड इट्स नॉट दैट एनोनिमस. लूप होल हर जगह है. सो बी डबल श्योर बिफोर यूजिंग डार्क वेब एंड बी डबल श्योर बिफोर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन इन डार्क वेब. इट्स नॉट दैट सेफ. गेटिंग आगे चले. So now let me show you some bad ass onion websites. So first of all, we need to open Tor browser to surf on dark web. Connected. Okay. So पहली website है the Silk Road. एक्चुअली ये सिल्क रोड नहीं, सिल्क रोड का अल्टरनेटिव है. तो सिल्क रोड डार्क वेब की सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाली वेबसाइट थी. यहाँ पे हर इलीगल चीज़ का ट्रेड होता था, ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हें कुछ भी मिल सकता था यहाँ पे. एंड ये कुछ महीनों के लिए ही एक्टिव थी, बट कुछ दिनों बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया. बट इसके बंद होने के बाद सिल्क रोड के बहुत ही ज़्यादा अल्टरनेटिव्स आ गए और ये इलीगल काम और ज़्यादा बढ़ गया इस चीज़ से. तो मेरे पास जो सिल्क रोड की वेबसाइट है वो डैम श्योर अल्टरनेटिव है क्योंकि ओरिजिनल साइट तो बहुत पहले बंद हो चुकी थी. मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है बट आई नो कि वो बंद हो चुकी है और ये अल्टरनेटिव है. जो भी तुम्हें सिल्क रोड की वेबसाइट मिले वो सारा अल्टरनेटिव है सिल्क रोड का. सो आई डोंट नो ये कौन सी है, बट इसे ओपन करते हैं, लेट्स सी कि इसमें क्या है. ओके सो देयर यू गो, दिस शोज सिल्क रोड 4 द डार्क नेट्स मोस्ट रेजिलिएंट मार्केट प्लेस एज आई टोल्ड यू. एंड इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है. सो लेट्स रजिस्टर, क्योंकि मैं भी पहली बार ही खोल रहा हूँ इसे और मैंने इससे पहले कोई लॉगिन वगैरह किया नहीं. मैंने बस सुना था सिल्क रोड के बारे में, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था. ओके लॉग्ड इन. सो वी हैव न्यूज एंड वी हैव कोकेन टोटल सब कुछ. मैं ब्लर कर दूंगा चीज़ें ब्लर कर दूंगा मैं, बट सब ही है इसमें तो. हाँ मैं और क्या है क्या सर्च करें यहाँ पर. गन्स, इसमें गन्स नहीं है. ओके गन्स नहीं है. ओके कैनवीज CVVs, ओके बैंक्स और ई बुक्स हैं और क्या है, और तो पता नहीं होता क्या, मेरे को नहीं पता. ही ओपी ड्रग्स एडिबल्स कार्डेड आइटम्स देखें क्या, नहीं आ रहा कुछ भी कार्डेड आइटम्स में, कुछ भी इसमें बस कुछ नहीं है ब्रो. इसमें बस सिल्क रोड, ये सिल्क रोड जो सिल्क रोड 4 है ये, इसमें बस कुछ नहीं है. सपोर्ट भी है इनका क्रेजी, बहुत सही. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, द सिल्क रोड फॉर यू. ओके सो नाउ आई हैव वन मोर वेबसाइट नेम FB Hack Tool.
सुनने से ही क्रेजी लग रही है. सो लाइक अगर ये सरफेस वेब में होता तो लाइक इतना कन्विंस नहीं होता इस चीज़ से, क्योंकि सरफेस वेब है यार, लाइक इतना इजी नहीं होता फेसबुक हैक करना. बट ये डार्क वेब है, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज एवी हैक टूल. अवी हैक टूल इज 58 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो विस्टा 7E10 डाउनलोड टूल रन ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आई थिंक यहाँ से डाउनलोड होगा वर्जन 6.3.6 आई थिंक. एंड लेट्स सी. ओके सो द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर. सो फिलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं है. बट अगर ऐसा कुछ रहा होगा लाइक जिससे फेसबुक हैक कर सकते हैं, लाइक लिटिल फेसबुक, क्रेजी क्रेजी इनफ. सो एवरी हैक टूल फॉर यू. ऑल राइट. सो अपनी थर्ड वेबसाइट का नाम है सेलिब्रिटी अंडरग्राउंड. ओके सो नाम से तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस वेबसाइट से, है ना. वो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ से. सो लेट्स सी कि सेलिब्रिटी अंडरग्राउंड में क्या है. सो सेलिब्रिटी अंडरग्राउंड मेड अ बिटकॉइन डोनेशन. नो मोस्ट व्यूड फोटोज इन द पास्ट वीक. मोस्ट व्यूड फोटोज इन द पास्ट ईयर. एंड तो लाइक हैक यू हैव टू लॉग इन टू व्यू टॉपिक्स. ओके लेट्स सी. ओके सो वही है, बस अल्फाबेट्स आ गए और कुछ बदला तो है नहीं. ओके आके आई थिंक सेंसर्ड फोटो या फिर जो फोटोज सरफेस वेब में नहीं अवेलेबल है. रिहाना XOMA 2020. ओके आई एम अलाउड टू शो दिस. मतलब इतना तो चलता है ना, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है. एंड एक काम करते हैं, मोस्ट व्यूज फोटो इन पास्ट वीक में आता है. अच्छा इसमें कुछ मोस्ट व्यूड है यार, तो लाइक कुछ तो स्पेशल हो गई. ओके आई एम सॉरी मेरे को ये ब्लर करना पड़ेगा. आई एम लिटरली सॉरी मेरे को ये ब्लर करना पड़ेगा. बट दैट्स टेलर स्विफ्ट एंड दैट्स काइली जेनर. And this is not allowed. मैं ये नहीं दिखा सकता तुम्हें. But bro, okay. Hello. हाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई. सुन. एक वेबसाइट में भेज रहा हूँ तेरे को, है ना. अनियन वेबसाइट है ना, उसे देख उसे ओपन कर एंड गो थ्रू मोस्ट व्यूड फोटोज इन द पास्ट वीक. ठीक है ना. देख के बता मेरे को है ना. अभी व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम कर रहा हूँ. हाँ ठीक भाई. ये थोड़ा ज़्यादा क्रेजी हो गया. दिस वेबसाइट इज इनसेन. लाइक आई एम सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकता यार, ये चीज़ तो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ. बट डूड लाइक दिस इज इनसेन. दिस इज लिटरली इनसेन. ओके हाँ हेलो. हेलो हाँ भाई. क्या है, क्या बोलो भाई. थोड़ा नीचे जाएगा ना, लाइक पहले शुरू में इमेजेस है थे ना, मोस्ट व्यूड वाला नहीं, लाइक जो फ्रंट पेज है ठीक, तो उसमें थोड़ा और नीचे जाएगा तो नीचे वीडियोस भी हैं. बट सीन वीडियोस का ये है कि लाइक मे बी वीडियोस के लिए पे करना पड़ेगा, बस यही सीन है. बट स्क्रीन शॉट्स हैं इसके. सब सही भाई. चलो ठीक है, एक्सप्लोर करो और कुछ और नया मिले तो बताओ मेरे को. ठीक है बताते रहे तू. हाँ ओके सो सेलिब्रिटी अंडरग्राउंड फॉर यू. सो नाउ मेरे पास एक रेड रूम का यूआरएल है. आई नो कि जितने भी रेड रूम्स हैं एक्टिव नहीं हैं और जितने भी रेड रूम्स के नाम पे वेबसाइट चलती हैं वो फेक होती हैं. लाइक तुमने पे किया और बूम तुम्हारा पैसा गया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न में.
एंड रेड रूम्स आर लाइक, रेड रूम्स में लोगों को टॉर्चर किया जाता है और उस टॉर्चर को देखने के लिए लोग पैसे देते हैं, डोनेट करते हैं, लाइक फिजिकल टॉर्चर, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं ये वीडियोस. बट आई हैव अ यूआरएल, आई विल ट्राई टू एंटर, लेट्स सी. मैं पे नहीं करूँगा कुछ भी, मैं पहले से बता रहा हूँ. अगर एंटर करने के लिए भी पे करना पड़ेगा, आई विल नॉट पे, आई विल नॉट वेस्ट माई मनी. एंड मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ देने का कोई शौक नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एंटर. सो लेट्स सी. There you go, this is our website, Red Room. There are 19 days, 6 hours, 32 minutes left. Jonah leave. I don't know ye countdown kis cheez ka hai, maybe like Red Room itte dino baad shuru ho jayega, ya fir like itte dino tak hi tum register kar sakte ho, ki like itne dino tak aur chalega, like 19 days, 6 hours, I don't know. So let's join. I will not pay, but let's try to join. Okay, Red Room guest surprise. There are, as could be, you could be a spectator. Unique opportunity to watch the real Red Room event. Take part in once in a lifetime experience. Okay, spectator, Commander 012 and Master 1 Bitcoin. ज़्यादा हो गया ना? बहुत ज़्यादा हो गया यार. Like 0.03 Bitcoin भी बहुत ज़्यादा. So ultimately you have to pay and I'm not gonna pay. So इससे आगे नहीं. And download videos, last event के videos, like last Red Room जो होगा उसके videos भी हैं. Let's see, link one, link two दोनों खोल लेते हैं, उसको एक तो चलेगी. And privacy guides, okay. So actually ये last event का video है, coins वगैरह भी है, like this to cart $500. ये भी बहुत ज़्यादा है, $500 कौन दो. कमेंट बाजी चल रही भाई यहाँ, शिट इज रियल, मे बी, हू नोस. तो 7 ओके, 3 रेड, सो $250. So I'm not gonna pay for this. So it is what it is. And like I know ki Red Room ka scene toda hai ki like active nahi hai, and like jitne bhi Red Room ke naam pe website se wo sari fake hai, but who knows bro, who knows, like maybe inhone itna is cheez ko secure ya fir itna private rakha hai ki logo ko lagta hai ki fake hai, but maybe aisa ho. Alright, so here's the thing. Jaisi abhi kuch websites maine tumhe batayi, crazy websites, bilkul scary, अजीबो गरीब, ऐसी और बहुत सारी डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं, लाइक यू कैन हायर हिट मैन, यू कैन हायर हैकर, एंड ऐसी बहुत सारी अजीबो गरीब चीज़ें तुम्हें डार्क वेब में मिल जाएंगी, क्रेजी चीज़ें. बट डार्क वेब ही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे क्रेजी वेबसाइट्स हैं. सरफेस वेब में तुम्हें बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स और बहुत सारा क्रेजी वेबसाइट्स मिल जाएंगी. ऑलराइट, सो यही थी कुछ वेबसाइट्स तो और भी बहुत सारी हैं, मैं अगर सबको दिखाने जाऊँगा तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा था. 3 वेबसाइट्स मैंने बताई हैं और ये सही नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि गलत हो सकता है किसी के साथ भी. तुम्हें वेबसाइट का नाम पता है, अगर तुम खुद से ढूंढ लेते हो वो अलग बात है, बट मैं शेयर नहीं करूँगा, है ना, अपने तरफ से. तुम थोड़ा भी डीप जाओगे तुम्हें मिल जाएंगे वेबसाइट, मेरे को मिल गई तो तुम्हें मिल जाएंगी, किसी को भी मिल जाएंगी, बट मैं खुद से शेयर नहीं करूँगा डार्क वेब वाली, बट सरफेस वेब वाली मैं तुम्हें दे दूँगा. वन मोर थिंग इज़ कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पिछले कुछ दिनों में लाइक कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियोस में कि लाइक भाई ये जो तू बता रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता डार्क वेब में एंड ऑल दैट. सो आई जस्ट वांट टू से कि भाई यू डोंट इवन हैव आइडिया कि यहाँ क्या क्या होता है. लाइक ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं ना कि मैं तुम्हें यूट्यूब में दिखा ही नहीं सकता हूँ, है ना. वीडियो डाउन हो जाएगी या फिर चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है, चैनल टर्मिनेट हो सकता है, बट लाइक यू डोंट इवन हैव आइडिया कि यहाँ क्या क्या होता है. सो टेक इट ईजी, टेक इट वेरी ईजी, है ना. यही था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा मेरे को ये. एंड और भी अगर तुम्हें कुछ जाना है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, harsh.pandey_, लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो दिस इज इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ, डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, पीस आउट. जाके पूछ अपने बारे में, पूछ अपने बारे में, पूछ अपने बारे में, पूछ अपने, पूछ.